भाई आजा आजा मेरी जान, मेरी जान मन। हेलो राजीव, पीछे सीन अच्छा लग रहा है। इस वक्त मैं और राजीव ये गुलमर्ग, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर में आए हैं पहली बार। कैसा लगा भैया? ये गोशा आगोशा बोल, स्वर्ग है तो यही है, यही है। पर देख, अगर तू मेरे बारे में मेरी रिकॉर्डिंग गलत करेगा ना, तो पूरे 38 वेस्ट के अंदर प्रधान जी को हज नज जान के शपथ ले रहा हूँ। अखियां मिलाना परदेसियों को है एक दिन जाना,
बहुत बढ़िया सीनरी है, कितने अच्छा लग रहा है, मार्वलस। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का
हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हाँ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हाँ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तेरा सब सदका वाहे गुरु तेरी सब रचना वाहे गुरु तेरा सब सदका वाहे गुरु तेरी सब रचना
वादियों में खो जाए हम। पास यहाँ की ये व्हाइट बर्फ आपके लिए नाजुक नाजुक अभी ताजी बर्फ कोहली साहब आपके लिए। आप नहीं आए हमें आपकी याद आ रही है। ये देखो हमने आपको बना दिया है मेरे लिए। देखो ऐसे करके देखो चढ़ता है। ये देखो हेलो बोलो बोलो। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसी जगह पे आने के लिए। बोलो पंडित जी की जय हो। सोच भी नहीं सकते थे ऐसी जगह पर आने के लिए। लेकिन ये देवेंद्र शर्मा जी जो हमारे साथ हमारे टीम कैप्टन बन के आए हैं इन्हीं के कारण आज हम यहाँ छांगला पास पर पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्नोफॉल जो हुआ है अभी रिसेंटली ताज़ा स्नोफॉल है। हमारी गाड़ी को आने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई, पर बम बम भोलेनाथ के कारण हम यहाँ पर पहुँच सके हैं। मैं सभी को कहता हूँ ये ऐसा नज़ारा हम पहली बार देख रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं दोनों। आप ये
उस साइड में चलो ना। आओ और देखो हमारे साथ पंकज भाई कितना नजारा ले रहे हैं। अभी अभी ये तो नहाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी कपड़े उतार के अभी लेक में लगाएंगे छलांग। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देवेंद्र शर्मा जी का, जिनकी अध्यक्षता में हम पांच मित्र भूषण शर्मा जी, मैं, कंवरलाल जी और राजीव कुमार जी इतना सुंदर स्थल देखने के लिए आए हैं। ये सभी संभव हो पाया श्री देवेंद्र शर्मा जी के प्रयासों से। इन्होंने इनिशिएटिव लिया, सारा प्रबंध किया और इतना सुंदर स्थल जो समझ लीजिए कि बिल्कुल स्वर्ग के समान है, ये हमें लेके आए हैं। हम समस्त ग्रुप वाले से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप ये जो जगह देख रहे हैं ये वो जगह है कि जहाँ थ्री इडियट की शूटिंग की गई थी और करीना कपूर और आमिर खान बाद में मिले थे, उनको अपील भी ली थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजीव कुमार जी, आपकी जनरल नॉलेज की मैं तारीफ करना चाहूँगा। जी 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 जी, और किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ आने का मौका मिले तो वो कृपया छोड़े नहीं, ये धरती नहीं स्वर्ग है। गाड़ियाँ हैं हमारे पास, वहाँ बैठ कर सोच नहीं सकते कि कितने सुंदर स्थल है हमारे भारतवर्ष में जहाँ आप आकर आनंद का अनुभव कर सकते हैं, असीम आनंद। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बहरंग के धारे पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर, जल पवन सुहानी नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर बह झर झर पानी। मध भरा समापन झूला झूला, हर कल सुख पल यहाँ रस घुला घुला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं। पेंगोंग लेक की ये वो जगह है जहाँ पर करीना कपूर ने अपना एक्टिवा खड़ा किया था, उसके बाद वो दौड़ के इधर को देखा, दौड़ के उस तरफ गई जहाँ पर आमिर खान खड़ा हुआ था।
अरे बाबू उन को उतार रहे अपने Yeah.
में गुनगुनाए वो।